बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेन्यू में दो तरह के स्लाइसेस हैं, ब्रेकफास्ट स्लाइसेस जो कि थोड़े स्पाइसी हैं लेकिन बहुत टेस्टी हैं। एक तो हम बना रहे हैं योगर्ट टोस्ट और दूसरी तरह का हम बनाएंगे एग टोस्ट। तो चलें पहले हम योगर्ट टोस्ट से शुरू करते हैं। इसके लिए हमने दही ले लिया है एक बोल, थोड़ा थिक वाला लीजिएगा। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाला है हाफ टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, बेसन 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है चाहें तो डाल लें। अब मैंने अलग से इसका तड़का तैयार कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर चन पत्ते कड़ी पत्ते के डाले हैं और जीरा पाउडर डाला है हाफ टी स्पून। अभी हमने दही पे लगा दिया है, 1 चम्मच मैंने ऑयल जो है तवे पे डाल दिया है, इसको मैंने इस तरह स्मूथ कर लिया है। इसके ऊपर मैंने अब ये स्लाइस रखना है। देखिए ब्रेड ब्रेड का स्लाइस मैंने अच्छा सा इसमें डिप किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर दही में नहीं रहने देना, झटपट करना पड़ेगा। ये देखें ये तैयार हो गए हैं। इसको थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको हम गार्निश करेंगे अनियन, हरी मिर्चों और धनिए के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। चलें हम दूसरी तरह का शुरू करते हैं स्लाइस एग टोस्ट यानी। इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें प्याज डाले हैं 4 से 5 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 2 छोटी बारीक कटी हुई, टमाटर 2 से 3 टेबल स्पून, हरा धनिया थोड़ा सा ले लीजिए आप, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। ये स्लाइस हमने इसी तरह जिस तरह हमने दही वाले टोस्ट में रखा था इसके ऊपर रखना है। तवे पे मैंने ऑयल लगा लिया है, साथ साथ हम रखते जाएंगे, जो इसकी सब्जियां हैं ऐसे हम ऊपर लगा देंगे। आप मसालों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये लीजिए मज़ेदार एग टोस्ट भी तैयार है। ये स्पाइसी हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी और एक डिफरेंट टेस्ट देंगे। खाइए और एंजॉय कीजिए।